डिफरेंट इन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर हम लोग जो है डिफरेंट करने वाले हैं, और उसके लिए हम लोग कौन कौन सा टेस्ट करने वाले हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसका लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट। बाद में हम पढ़ेंगे विक्टरमेट टेस्ट। इसके बाद जो है वो हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि कैटालिस्ट डिहाइड्रोजनेशन। और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। तो फर्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसका लुकास टेस्ट, कि लुकास टेस्ट जो है उससे हम लोग किस प्रकार से डिफरेंट कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो हम 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल यूज कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने तीनों डिग्री अल्कोहल जो वो ले लिया है, हमने इसके अंदर 1 डिग्री लिया है, इसके अंदर हम लोगों ने ये जो 2 डिग्री लिया, और इसके अंदर हम लोगों ने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि तीनों के अंदर जो है वो हम लोग क्या डालते हैं, कंसनट्रेट HCl प्लस निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2, कंसनट्रेट HCl, निर्जल ZnCl2, इसके अंदर हम लोग डाल चुके हैं कंसनट्रेट, यानी कि सांद्र HCl, ठीक है, प्लस निर्जल ZnCl2 डाल दिया। वास्तव में क्या है कि लुकास अभिकर्मक जो है यही है, और इसी को हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। यदि एग्जाम के अंदर हमें कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो लुकास अभिकर्मक है वो क्या है, तो लुकास अभिकर्मक का अगर के बारे में यदि आपको अगर पूछा जाता है, तो देखिए कि सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक कहते हैं। तो हमने तीनों के अंदर क्या मतलब डाल दिया, लुकास अभिकर्मक डाल दिया है। अब क्या होगा कि जो 1 डिग्री है वो क्या करता है, हमारा रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करता, यानी कि कमरे के ताप पर जो है वो कोई रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन। ये कमरे के ताप पर जो है 1 डिग्री कोई रिएक्शन नहीं देता, जबकि जबकि 2 डिग्री क्या करता है, 2 डिग्री जो है कमरे के ताप के ऊपर यहां पर जो है वो क्या बनाता है, हेलाइड बनाता है। इस प्रकार से 3 डिग्री भी क्या बनाता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर हेलाइड बनाता है। अब 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों ने हेलाइड बना लिए, तब हमें किस प्रकार से पता चलता है कि 1 डिग्री का जो है वो कौन सा, मतलब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा है, इसके अंदर कौन सा है। तो वास्तव में क्या होता है कि जब ये बनते हैं तब ये इसके अंदर विलयशील नहीं होते, यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो गंदलापन प्रकट करते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर ये, यानी परख नली में ये क्या करते हैं, या तो गंदलापन प्रकट करते हैं जिसको हम, या उसके अंदर क्या बनाते हैं, उसके अंदर जो है ये अवक्षेप बनाते हैं, या फिर उसके अंदर जो है वो विलय नहीं होते, अविलय। तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है कोई भी गंदलापन, अवक्षेप है ना, या फिर अविलयता प्रकट नहीं करता, अविलयता प्रकट नहीं करता, जबकि ये क्या करता है, ये क्या करता है, लगभग 5 मिनट बाद जो है गंदलापन प्रकट कर देता है, या हम यूं कहें कि अवक्षेप प्रकट कर देता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि तुरंत गंदलापन प्रकट कर देता है, यानी मैंने आपको तीनों नाम लिखवा दिए कि या तो ये तुरंत अवक्षेप देगा, या फिर तुरंत जो है वो मतलब क्या करेगा, गंदलापन प्रकट करेगा, या फिर अविलयता प्रकट जो है वो करेगा। चलिए ये हमारा हो गया लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी, विक्टरमेट टेस्ट की। विक्टरमेट टेस्ट जो है वो क्या है, विक्टरमेर टेस्ट। तो पहले ये पूछ ले कि विक्टरमेर अभिकर्मक जो है वो क्या है। तो देखिए विक्टरमेर अभिकर्मक क्या है, लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन, सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रस अम्ल
और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH। इस पूरे को हम सम्मिलित रूप से जो वो क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक, मतलब सॉरी विक्टरमेयर अभिकर्मक, इसको हम कहेंगे विक्टरमेयर अभिकर्मक, विक्टरमेयर अभिकर्मक। ठीक है, अब क्या है कि हम तीन, जैसे तीन टेस्ट ट्यूब ले ली, जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक प्रणाली के अंदर जो है 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, एक के अंदर जैसे हमने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, एक के अंदर जो है वो हमने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, इस प्रकार से। अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ये जो है लाल फॉस्फोरस और आयोडीन, ये जो है फर्स्ट स्टेप में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लाल फॉस्फोरस और आयोडीन डाल देते हैं तीनों के अंदर, तीनों के अंदर जो है वो हम लाल फॉस्फोरस और आयोडीन डाल देते हैं इस प्रकार से, इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल देते हैं। तब ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड बनाएंगे ये इस प्रकार से। देखिए कि तीनों में जो है एक कॉमन चीज आ रही है, और वो क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि तीनों के अंदर जो है OH ग्रुप यहाँ लगता है, और यहाँ पर OH ग्रुप जो है हट करके उसकी जगह क्या लगता है, हमारा आयोडीन लग जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, फर्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त हुआ एल्किल आयोडाइड, फर्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त हुआ एल्किल आयोडाइड, ये हमने जो है फर्स्ट स्टेप यूज कर लिया। सेकेंड स्टेप में हम इसके अंदर क्या डालते हैं, सेकेंड स्टेप में हम इसके अंदर जो है वो यहाँ पर डालते हैं सिल्वर नाइट्राइट। तो ये हमने तीनों के अंदर जो है वो सम्मिलित रूप से अलग अलग, मतलब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, तो हमने इसके अंदर जो है सिल्वर नाइट्राइट डाल दिया, इसके अंदर भी जो है वो हमने सिल्वर नाइट्राइट डाल दिया, और इसके अंदर भी जो है वो हमने सिल्वर नाइट्राइट डाल दिया। अब सिल्वर नाइट्राइट जो है वो डालने के बाद में हम क्या करने वाले हैं, देखिए कि इसके अंदर जो वो क्या बना, इसके अंदर हमें मिला नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना, RCH2NO2, और यहाँ भी हमें क्या मिलता है, यहाँ भी हमें नाइट्रो एल्केन मिलता है, और यहाँ भी हमें नाइट्रो एल्केन मिलता है। तो हमने क्या डाला था, सिल्वर नाइट्राइड, और सिल्वर नाइट्राइड डालने के बाद में जो है वो हमें यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या मिला, सेकेंड स्टेप में हमें यहाँ पर मिला नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालते हैं, देखिए हमने सेकेंड स्टेप भी डाल चुके हैं, अब हम इनके अंदर डालेंगे नाइट्रस अमल। तो अब हम क्या करते हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो नाइट्रस अमल को डालते हैं। तो देखिए ये हमने इसके अंदर नाइट्रस अमल डाल दिया, इसके अंदर भी हमने नाइट्रस अमल डाल दिया, और इसके अंदर भी हमने नाइट्रस अमल जो है वो डाल दिया। अब क्या होगा कि अब यहाँ से जो है एक जलकाणु बाहर निकलेगा, यहाँ से एक जलकाणु बाहर निकलता है। तो जलकाणु जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ से जब दो हाइड्रोजन निकल चुके हैं, तब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा RC और ये NO2, दो वैलेंसीज ऑलरेडी जो है इसकी फ्री हो चुकी हैं। और जब जलकाणु बाहर निकला तो एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जा चुका है, तो एक ऑक्सीजन जाने के बाद में यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा HN और O, ये तीनों चीज़ें बची। तो देखिए कि कार्बन की जो दो वैलेंसीज है वो यहाँ पर नाइट्रोजन के द्वारा पूरी होती हैं इस प्रकार से, और नाइट्रोजन जब यहाँ जुड़ चुका तो ये एक OH इधर सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रोलिक अम्ल, ये हमें मिल गया नाइट्रोलिक अम्ल। ठीक है, और फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी देखिए वही जलकाणु बाहर निकलेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकल चुका है, एक ये निकल चुका है, अब देखते हैं कि बचा क्या है यहाँ पर। तो अब हमें जो है वो यहाँ पर बचेगा RC, ये R, और ये जो है ये डबल बॉन्ड N, ये NO2, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा बल्कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्यूडो नाइट्रो, स्यूडो नाइट्रो, ये हमारा हो गया स्यूडो नाइट्रो। इसके बाद में ये जो है ये हमारा नाइट्रस अम्ल के साथ में जो है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता, यानी कि नो रिएक्शन, ये नाइट्रस अम्ल के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करता। इसके बाद में हम इसके अंदर जो वो क्या डालते हैं, हम इसके अंदर डालते हैं स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, इसके अंदर भी NaOH डाल देते हैं, और इसके अंदर भी जो है वो NaOH डाल देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हम स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, ये हमें देता है लाल कलर, इसमें हमें लाल रंग दिखाई देता है, और यहाँ इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो हमें नीला रंग दिखाई देता है, और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो केमिकल है वो रंगहीन ही रहता है, या फिर यदि पहले से अगर सफेद है तो वो सफेद ही रहता है।
अब देखिए, चूंकि इसके अंदर हमें ये तीन कलर प्राप्त होते हैं, लाल, नीला और सफेद, इसलिए विक्टरमेयर जो टेस्ट है उसको हम लाल, नीला और सफेद परीक्षण भी बोल देते हैं। यानी लाल, नीला, सफेद परीक्षण भी जो है वो विक्टरमेयर टेस्ट को बोल दिया जाता है। इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए कि अगर हमें एग्जाम में यदि इसकी थ्योरी लिखनी होती है तो हम एक सिंपल वे में लिख सकते हैं, है ना, कि हम जैसे तीन टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर लाल आयोडीन, मतलब लाल फास्फोरस और आयोडीन डालते हैं, जिससे कि हमें एल्केल हाइड्राइड प्राप्त होते हैं। उसके बाद में इसमें सिल्वर नाइट्राइड डालते हैं, जिससे कि हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। और इसके बाद में जो है वो हम इसके अंदर क्या डालते हैं, नाइट्रस अमल डालते हैं, जिससे कि जो 1 डिग्री है उसके अंदर नाइट्रोलिक अमल बनता है, 2 डिग्री के अंदर जो क्या बनता है हमारा, सुडो नाइट्रोल, और 3 डिग्री कोई रिएक्शन नहीं करता। इसके बाद में हम क्या करते हैं, तीनों के अंदर बेस डालते हैं, जिससे कि जिसके अंदर लाल रंग आता है वो हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री, जिसके अंदर नीला रंग आता है वो हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री, और जो रंगहीन या फिर सफेद रहता है वो हमारा क्या हो गया, 3 डिग्री। ये हमारे हो गए दो टेस्ट। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वी हाइड्रोजनीकरण की, जो वी हाइड्रोजनीकरण है।